फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म इवन अ सिंगल एक्टिविटी विदाउट फाइनेंसेस. नहीं कर सकता. यू नीड मनी, यू नीड फाइनेंसेस टू सर्वाइव, टू एक्सपैंड, टू ग्रो. यू नीड मनी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको तीन तरीके के रिसोर्सेस चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस. दैट मीन्स वी ऑल नो दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, इसके बगैर कंपनी नहीं चल सकती. तो उस फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है. लेकिन अगर फाइनेंसेस को मैनेज करना है तो उसमें होता क्या है, तो उसमें होता क्या है वो चीज बता देता है इसका डेफिनेशन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन कहता है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ईच ऑफ दिस थिंग्स. ये पूरे डेफिनेशन में चार चीजें. पहला चीज है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, मतलब पैसा तो लेकर आना है ना, पैसा तो चाहिए. अब पैसा चाहिए, पैसा लेकर आना है, तो अब ये पैसा कहां से आएगा? जहां से भी लाओ, या तो अपना पैसा लाओ, या उधारी करके लाओ, शेयर्स बेचकर लाओ, कुछ भी करके जो भी पैसा आ रहा है वो एफिशिएंटली होना चाहिए. मतलब जहां पर सबसे कम खर्चा हो रहा है, जहां पर सबसे कम एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पैसे वहीं से लेकर आने चाहिए. नंबर वन. नंबर टू, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस. अब ये एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है कि पैसा आ गया है, अब वो पैसे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे अलग अलग जगह देना है उस पैसे को. तो आप उस पैसे को कहां पर कितना देना है, क्यों देना है, उस पैसे से क्या हासिल होगा, ये सारा चीज देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड करोगे कि कहां पर कितना पैसा जाए. यू हैव टू इंश्योर दैट नाइदर यू आर गिविंग मोर मनी मोर देन द रिक्वायर्ड मनी, नॉर यू आर गिविंग लेस देन द रिक्वायर्ड मनी. क्योंकि ज्यादा दोगे तो नुकसान, और कम दोगे तो काम नहीं हो पाएगा. तो डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना बहुत ही जरूरी है. देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर थिंग इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. मतलब क्या है, अब पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब वो पैसे का इस्तेमाल होगा किस चीज में होगा, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पैसा आया है, उस पैसे का इस्तेमाल करो और एक्टिविटीज को परफॉर्म करो. लेकिन जब पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, तब यह भी तो इंश्योर करना है कि उसका नुकसान नहीं हो रहा है. नुकसान नहीं होना चाहिए. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं और मुझे मान लो कोई एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना है. उस एक्टिविटी के लिए एस्टीमेट था कि भाई 25,000 रुपए लगेंगे. अब मेरे पास 25,000 रुपया आ गया, कंपनी ने बोल दिया कि ये 25,000 है, तुम अपने एक्टिविटी को कंप्लीट करो. अब मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि यार 25,000 रुपए आए हैं, मैं सारा खर्च करके मैं इस एक्टिविटी को पूरा करूंगा. नहीं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता. ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं ये एक्टिविटीज को कंप्लीट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस 25,000 को भी ऐसे यूटिलाइज करूं कि इसमें से मैं बचा सकूं.
बचाओगे तभी तो होगा एफिशिएंट. देन द लास्ट वन इज एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस. मान लो सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद से आपके हाथ में कुछ पैसा बच गया. अब ये उसका कंपनी को कोई जरूरत नहीं है, मतलब दैट इज द सरप्लस मनी दैट यू हैव. अब जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में एक चीज बड़ा ध्यान देना बेटा, अगर आपके बिजनेस में आइडल मनी है, मतलब आपके बिजनेस में ऐसा पैसा है जिसका कोई काम नहीं है और वो खाली पड़ा हुआ है, वो बिजनेस के लिए नुकसान है. आपको बिजनेस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी सरप्लस पैसा है उस सरप्लस पैसे को कहीं ना कहीं पर लगा दो, या तो किसी को उधारी दे दो और उससे इंटरेस्ट कमा लो, या तो कोई एसेट्स खरीद लो, बिजनेस का एक्सपेंशन कर लो, कुछ भी करो, या तो उसे बैंक में रखो जिससे इंटरेस्ट मिले, या तो किसी कंपनी के शेयर्स के खरीद लो, कुछ तो करो, उसे खाली मत रहने दो सरप्लस को, उसको डिस्पोज करो. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये चार चीजें होती हैं, एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस. समझ में आ गया सबको? यस सर. जल्दी से सबका जवाब दो बेटा, सब लोग दो बेटा, जल्दी जल्दी जवाब दो. यस सर. ओके. अब अगला चीज, इसका रोल या इंपॉर्टेंस, भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है? तो सिंपल सा, हमने तो पहले ही बात कर दिया यार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब फाइनेंस ऐसा चीज है जिसके बगैर तो कंपनी चल ही नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है कि भाई इसका बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत बड़ा काम करता है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. नाउ If you are the financial manager of a certain organization and you are managing the entire money, अब आपके पास production manager ने बोला आकर कि सर एक automatic machine आया है, वो automatic machine खरीद लेते हैं, इससे company की productivity बढ़ जाएगी, हम पहले जितना बनाते थे उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे. तो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको लगा कि यार ये तो बोल रहा है इतना प्रोडक्शन होगा, वो टेक्निकल डेटा दे दिया है. एज अ फाइनेंशियल मैनेजर तुमको लगा कि यार इतना प्रोडक्शन बढ़ जाए तो ठीक है. एज अ फाइनेंशियल मैनेजर तुमको लगा कि यार ठीक है इतना पैसा लगा सकते हैं हम अगर इतना प्रोडक्शन बढ़ता है तो. तो आपने फिर मार्केटिंग वाले को बुलाया, मार्केटिंग वाले को बुलाया कि भाई देखो प्रोडक्शन इतना बढ़ जाएगा तो इतना बड़ा हुआ प्रोडक्शन, मतलब इतना प्रोडक्ट को आप लोग बेच पाओगे, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया, नहीं बिका तो कोई फायदा नहीं है. तो सबसे डिस्कशन करने के बाद जो फाइनल डिसीजन होता है कि ये पैसा लगा के मैं ये मशीन को खरीदूं या ना खरीदूं, वो तो फाइनेंस का होता है. अब आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है सब जगह से पॉजिटिव रिपोर्ट्स आए हैं, पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है, तो हम लोग पैसा लगा देते. अब आपके कंपनी ने वो ऑटोमेटिक मशीन को खरीद के लाए, तो वो ऑटोमेटिक मशीन आपके कंपनी में आ गया, इसका मतलब क्या है? आपका फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गया, फिक्स्ड एसेट्स का कंपोजिशन बदला, फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट बढ़ गया, मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन से फिक्स्ड एसेट्स का साइज एंड कंपोजिशन दोनों चीजें बदल जाती हैं. नंबर टू, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स.
अब करंट एसेट्स में जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, दो चीजें क्या क्या होते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। बिल्स रिसीवेबल्स का मतलब वही है जो मार्केट से पैसा आना होता है। अब मान लेते हैं कि आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, आपको दिखा कि यार कंपनी का सेल्स कम हुआ है, तो आपने मार्केटिंग वालों से पूछा कि यार सेल्स क्यों कम हो रहा है, क्या हो गया, ऐसे कंपनी नहीं चल पाएगा। तो मार्केटिंग वालों ने बोला कि क्या करें यार, कंपेटिटर जो है वो एक महीने की क्रेडिट दे रहा है और हम एक हफ्ते की क्रेडिट दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आप फिर से कैलकुलेट करोगे कि यार मैं अगर ये बोल रहा है कि एक महीने का क्रेडिट दे रहा है कंपेटिटर, उसने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके उसको लगा कि हाँ भाई हम भी अफोर्ड कर सकते हैं एक महीने का क्रेडिट, तो आपने पॉलिसी चेंज कर दिया कि आज से हमारी कंपनी भी एक महीने की क्रेडिट देगी। मतलब क्या हुआ कि जो पहले पैसा एक हफ्ते के अंदर विद इन 7 days आपके कंपनी में आ जाता था, वो पैसा अब 30 days में आपके कंपनी में आएगा। मतलब जाहिर सी बात है, बिल्स रिसीवेबल्स में बदलाव आएगा, मतलब आपके करंट एसेट्स में बदलाव आएगा। दूसरा एग्जांपल ले लो इन्वेंटरी का। अब इन्वेंटरी में प्रोडक्शन वालों ने बोला कि भाई हम इस बार ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं मतलब वेयर हाउस में इन्वेंटरी ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। अब उतना मेंटेनेंस का पैसा, ये सब कैलकुलेट करना, क्या वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा उतना पैसा मैनेज कर पाना, ये सब चीज कैलकुलेट करके बताना, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। मतलब इन्वेंटरी कितना होगा वेयर हाउसेस में, उसका भी फाइनल डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके कंपनी के करेंट एसेट्स के अमाउंट एंड कंपोजिशन दोनों को बदल देता है। मतलब फिक्स्ड एसेट्स तो बदल दिया, करेंट एसेट्स को भी बदल दिया। अब अगला चीज क्या है, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। अब भैया आपके कंपनी ने पैसा लेना है तो जो पैसा लिया जाता है, जो भी उधारी लिया जाता है, वो या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म में लिया जाता है। अब लॉन्ग टर्म में पैसा कितना ले और शॉर्ट टर्म में पैसा कितना ले, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके कंपनी का पॉलिसी लिक्विडेशन का है, लिक्विडेशन का मतलब हो गया कि आपका कंपनी का ये पॉलिसी है कि देखो यार जितना इनकम आ रहा है, जितना पैसा हम कमा रहे हैं, उस पैसे का एक हिस्सा तो हमें लिक्विड में मेंटेन करना पड़ेगा, सारा का सारा पैसा हम उधारी में नहीं इस्तेमाल कर सकते, लिक्विडिटी को मेंटेन करना जरूरी है। अगर ऐसा आपका कंपनी का पॉलिसी है तब तो आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लोगे कि भाई धीरे धीरे चुकाएंगे क्योंकि कंपनी को भी पैसा चाहिए। अगर आपके कंपनी का पॉलिसी ऐसा है कि भाई नहीं भाई उधारी तो नहीं रखना है, जल्दी से जल्दी वापस कर देना है, सारा सारा का सारा पैसा वापस करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में लेंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में ले लो ताकि इंटरेस्ट कम लगेगा, तो फिर आप पैसा शॉर्ट टर्म में लेंगे। मतलब आप जो भी पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, उधारी ले रहे हैं, डेप्ट ले रहे हैं, उसमें लॉन्ग टर्म में कितना पैसा आएगा और शॉर्ट टर्म के लिए कितना पैसा लिया जाएगा, दिस इज डिसाइडेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रेशियो ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। If you remember, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि ये उधारी के पैसे से बिजनेस क्यों करेंगे, अपने पैसे से बिजनेस करो। लेकिन आज कल के जमाने में जब बिजनेस इतने बड़े बड़े बिजनेस हो चुके हैं, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहा है, ऐसे जगह में अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ अपने पैसे से आप एक्सपैंड कर जाओगे तो शायद गलत।
आज के दिन में आपके कंपनी में जो कैपिटल होता है उस कैपिटल में दो कंपोनेंट्स होते हैं, डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट का मतलब दूसरे का पैसा, बोरोवर्स फंड, एंड इक्विटी का मतलब है ओनर्स फंड। ये दोनों का होना जरूरी है कंपनी के अंदर, लेकिन एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको यह देखना होता है कि भाई मैं डेब्ट को बढ़ाने से शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है या नहीं। अगर डेब्ट को बढ़ाने से शेयर होल्डर्स को फायदा नहीं हो रहा है तो फिर डेब्ट नहीं लेना चाहिए, और अगर डेब्ट को बढ़ाने से शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है देन यू शुड इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन कैपिटल। मतलब आपके कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट एंड इक्विटी का रेशियो क्या होगा यह डिसाइड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप फाइनेंशियल मैनेजर मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से फिक्स्ड एसेट्स बदला, करेंट एसेट्स बदल गया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड्स कितना होगा वो बदल गया, डेब्ट और इक्विटी का रेशियो क्या होगा ये डिसाइड हो गया। मतलब अब आप जो कंपनी का हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट मतलब द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, जब ये अकाउंट बनाएंगे आप लिखेंगे रेवेन्यू कितना जेनरेट हुआ, कहां कहां से आया और वो पैसा कहां कहां गया, ये चीज जब आप लिखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स थे सारे के सारे बदल गए हैं बिकॉज ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब वो आपके कंपनी के रेवेन्यू को इंपैक्ट कर सकता है, आपके कंपनी के एक्सपेंसेस को इंपैक्ट कर सकता है, आपके कंपनी के ग्रोथ को इंपैक्ट कर सकता है। मतलब अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं उन डिसीजंस से या तो कंपनी का ग्रोथ हो जाएगा या कंपनी बर्बाद हो जाएगा, दोनों चीजें हो सकती है। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। जल्दी से सबका जवाब, सब लोग जवाब दो बेटा फटाफट। यस सर। सोहेल, जतिन, वेदांत। यस सर। हाँ भव्य, और कौन कौन है? अरमान क्लियर हो गया। आयुषी, आयुषी डावरा। घनिष्ठ। यस सर। रोनित। 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 ओके, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमने जैसे कि पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, भाई मालिक का पैसा बढ़ाओ। मालिक मतलब कौन? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन? जिसने पैसा लगाया है, जो डिविडेंड लेता है, नुकसान को भी झेलता है, वो मालिक। तो मालिक ने पैसा लगाया है तो मालिक को रिटर्न्स भी चाहिए। जो फाइनेंशियल मैनेजर ज्यादा रिटर्न देगा वो फाइनेंशियल मैनेजर सबसे अच्छा है।
लेकिन क्या ज्यादा रिटर्न देने के लिए क्या करना होगा फाइनेंशियल मैनेजर को, बात तो ये उठता है। मतलब अगर शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करना होगा? फाइनेंशियल मैनेजर को सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा। देखो शेयर होल्डर्स को पैसा कहां से दिया जाता, अर्निंग से। मतलब जितना ज्यादा अर्निंग होगा आप उतना ज्यादा पैसा शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। अगर आपकी अर्निंग ही नहीं है तो शेयर होल्डर को कहां से दोगे? तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है उस फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे पहला काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट को बढ़ाओ, अर्निंग को बढ़ाओ, तभी तो तुम मालिक को ज्यादा दोगे। दूसरा चीज फाइनेंशियल मैनेजर को क्या इंश्योर करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यहां पर प्रॉपर का मतलब है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आपके कंपनी में जो फिजिकल रिसोर्सेस है उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके कंपनी में जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस का कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आपके कंपनी में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उसमें कहीं पर वेस्टेज नहीं होना चाहिए। मतलब एज अ फाइनेंशियल मैनेजर यू विल हैव टू इंश्योर मिनिमम, यू विल हैव टू इंश्योर मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, तभी तो जाकर पैसा ज्यादा मिलेगा मालिकों को। कम लागत में ज्यादा कमाई बोला जाता है ना, वो चीज को इंश्योर करो तब पैसा बढ़ेगा, तब वेल्थ बढ़ता है। तीसरा चीज है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। हर कंपनी को लिक्विड मनी चाहिए, उसके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए उसके पास लिक्विड मनी का होना जरूरी है। जिसके पास लिक्विड मनी है वो मनी नहीं है वो तो खतरे में मंडरा रहा है कि कल के लिए पैसे कहां से लाऊंगा, कौन देगा पैसा। हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए आप डिपेंडेंट हो जाते हो, आपके पास लिक्विड मनी नहीं है तो फिर क्या होगा, आप कहीं और से लाओगे पैसा, उसके ऊपर उधारी चुकाओगे, इंटरेस्ट दोगे, तो आपकी कमाई तो कम हो गई। कम से कम डे टू डे एक्सपेंसेस का तो लिक्विड मनी होना चाहिए, उसको मेंटेन करो, तब जाके शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, सिंपल सा चीज है। मैं आपका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं फाइनेंशियल कमिटमेंट को मीट करने का मतलब क्या है। मतलब सिंपल मतलब है कि उधारी लिया है तो जो आपने कमिटमेंट दिया है उस कमिटमेंट को पूरा करो। हाउ? एग्जांपल, मान लो आप नौकरी कर रहे हो और नौकरी करते करते आपका नौकरी चल रहा है, आप ठीक कमा रहे हो, आपको एक बार पैसे की जरूरत पड़ी। आपने बैंक को बोला, मतलब आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो क्या आपको जितनी जरूरत है सारा जरूरत बैंक एक ही बार में पहली बार में दे देगा? बहुत रेयर चांसेस होते हैं। बैंक ने आपको पैसा दिया और आपने कमिटमेंट दिया कि हर महीने के इतने तारीख को इतना पैसा मैं दे दूंगा आपको, और आपने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। बैंक को एक बार भी फोन नहीं करना पड़ा और आपने जितना लोन लिया था सारा वापस कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आप लोन लेने जाओगे तो बैंक आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, अरे यार ये बंदा तो बड़ा सही है, एक फोन नहीं करना पड़ा, ये बंदे ने एकदम टाइम से पहले पैसे वापस कर देता है। फिर वो आपको ज्यादा लोन देना दे सकता है। वो ज्यादा लोन आपने ले लिया उसे भी एकदम टाइम में वापस कर दिया तो वो तीसरी बार में और ज्यादा लोन ऑफर करेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि मार्केट में जिन लोग जो लोग आपको उधारी दे रहे हैं आपने उनका भरोसा जीता है, आपने उन अपने कमिटमेंट्स को अपने प्रोमिसेस को पूरा करके उनका भरोसा जीता है, इसीलिए दे आर एवर रेडी टू गिव यू लोन। मतलब क्या हुआ, मार्केट में आपकी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है। मतलब आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी,
जब भी होगी मार्केट में लोग तैयार हैं टू फुलफिल योर नीड्स। तो जब पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा जब चाहिए तब मिलेगा, मतलब कंपनी ग्रो करेगा, एक्सपैंड करेगा, कंपनी को पैसे की दिक्कत नहीं होगी, तो इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, उसका कमाई बढ़ेगा क्योंकि कंपनी एक्सपैंड करेगा। तो बेटा जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उस फाइनेंशियल मैनेजर का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स वेल्थ। और ये मैक्सिमाइजेशन के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को चार चीजें इंश्योर करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी एंड मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। क्या सबको प्रॉब्लम हो रही है आवाज में? आवाज आ रही है बाकियों को? हाँ, नॉर्मल है ना? अच्छा अच्छा, चलो तो ये चारों पॉइंट समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर, फटाफट जवाब दो, फटाफट सब लोग जवाब दो बेटा। यस सर। घनिष्ठ आ गया बेटा समझ में? yes, दिया आयुषी? यस सर। रोनित, सोहेल, जतिन? यस सर। घनिष्ठ, रोनित आ गया समझ में? यस सर। कहाँ हो रोनित तुम? पहले भी मैंने इतना पूछा था, तुम्हारा जवाब ही नहीं आया। नहीं सर, मैं पहले तीन बार से यस बोल रहा हूँ। अच्छा, ये 6:25 में मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में क्वेश्चन पूछा था। अच्छा हाँ, ओके, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कितने तरीके के डिसीजंस? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। मतलब पैसा कहां से आएगा, उस पैसे को कहां लगाएंगे, मालिक को कितना पैसा देंगे, मालिक को कितना पैसा देंगे मतलब जो अर्निंग है उस अर्निंग का कितना पार्ट एज अ डिविडेंड दिया जाएगा, पैसा कहां से आएगा, डेब्ट या इक्विटी, जो पैसा है उस पैसे को कहां लगाऊं, ये तीन डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजर को लेना होता है। इनको फाइनेंसिंग डिसीजंस कहा जाता है। सबसे पहले होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहा जाता है। अब इसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पता नहीं क्या क्या है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा चीज है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मतलब अ डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स से मशीन खरीदना है, टूल्स खरीदना है, इक्विपमेंट खरीदना है, जमीन खरीदना है, बिल्डिंग बनाना है, ब्रांच बनाना है, तो ये सब चीजों में जो खर्चा होता है, उस जो फिक्स्ड एसेट्स में जो खर्चा होता है, खर्चा करना है, जो डिसीजन होता है, उसी को इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा जाता है। देखो बेटा, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने आज सही डिसीजन लिया है ना, तो वो कंपनी का लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा करा देगी। अगर आपने आज सही डिसीजन लिया
तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है। गलत फैसला लिया तो लॉन्ग टर्म में कंपनी बंद। लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यू आर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड एसेट्स, मशीन टूल्स इक्विपमेंट लैंड बिल्डिंग, ये सब चीजों में खर्चा कर रहे हो, मतलब ह्यूज सम ऑफ मनी इज इन्वॉल्व्ड, पैसा ज्यादा इन्वॉल्व्ड है। गलत डिसीजन ले लिया तो सारा पैसा डूब जाएगा, फिर शायद वो पैसा डूब गया तो आप उभर नहीं पाओगे उससे। रिस्क इन्वॉल्व्ड, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा रिस्क। तो आप कभी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो तो आप कभी भी ऐसे जगह में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना जहां पर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि अगर ज्यादा रिस्क वाले जगह में लगा दिया और वहां पर नुकसान हो गया, फिर कम पैसा हो तो उभर जाओगे, यहां पर तो पैसा भी ज्यादा है। इरिवर्सिबल डिसीजन, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ना, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहां पर पैसा लगाना है और वहां पर आपने पैसा लगा दिया, फिर यह डिसीजन रिवर्स नहीं हो सकता, पैसा गया गया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, योर मनी इज गॉन। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपने पैसा कमाया है और पैसा कमाने के बाद आपने सपना देखा था कि मेरा अपना घर होगा, मम्मी पापा ने तो जो है मम्मी पापा का है ना, मुझे अपना मेहनत का घर चाहिए, आपने डिसाइड किया, आपने पढ़ लिख कर आपने मेहनत करके आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करके पैसा जमा कर रहे हो किसी तरीके से, नहीं इस महीने मैं अपने खर्चे के लिए सिर्फ इतना रखूंगा, इतना पैसा बैंक में जाना चाहिए तभी मैं घर खरीद सकता हूं। आपने 10 साल मेहनत किया, 10 साल मेहनत करके 60-70 लाख रुपए आपने जुगाड़ कर लिया मान लेते, अब आप घर लेना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, तो क्या आंख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे? नहीं करोगे। जो भी घर खरीदना होगा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करोगे, आस पड़ोस में जाकर पूछोगे, 50 लोगों से इंक्वायरी करोगे, सब जगह पे पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर रिस्क नहीं है, ये सही है, तब जाकर उस प्रॉपर्टी में आप पैसा लगाते हो। मतलब आप सोचो ना, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपना खून पसीने का मेहनत कहीं पर लगाने जा रहे हो तो इतना सोचते हो, क्यों सोचते हो कि भाई गलत डिसीजन ले लिया ना बर्बाद हो जाऊंगा, ये आपको पता है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में तो करोड़ों रुपए की बात है इन्वेस्टमेंट का मतलब, और आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आप तो मर गए, फंस गए। तो बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने से पहले कुछ फैक्टर्स को एनालिसिस करना जरूरी है। वो फैक्टर्स क्या क्या है? नंबर वन, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। नाउ ये जो कैश फ्लो, ये जो वर्ड है ना कैश फ्लो, ये इस पूरे चैप्टर में 4-5 बार आएगा कैश फ्लो, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आएगा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, ये बात को ध्यान रखना। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब आपने जहां पर पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें रेगुलर इनफ्लो ऑफ कैश कितना होगा। यहां पर कैश फ्लो का मतलब वही होता है, कंपनी में कैश फ्लो का मतलब क्या है? रेगुलर इनफ्लो ऑफ कैश। रेगुलर इनफ्लो ऑफ कैश से क्या होता है? आपके डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह मीट होता है, हो जाते हैं, आपके रेगुलर खर्चे निपट जाते हैं, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट
कि रेगुलर इनफ्लो ऑफ कैश कितना है, क्या उससे खर्चा निपट जाएगा? अगर खर्चा नहीं निपटेगा तो आपके जेब से कितना देना पड़ेगा? आपको अपने जेब से उतना पैसा हर बार लगा रहे हो तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आपने जहां से पैसा लिया है उसको भी वापस कर सको? मीन्स यू विल हैव टू कैलकुलेट कैश फ्लो कितना हो रहा है, रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, दूसरा रिटर्न्स नहीं है ये कैश फ्लो, रेगुलर इनफ्लो ऑफ कैश। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जितना पैसा लगाया है उसमें से कितना पैसा वापस आने के चांसेस है, ये चीज कैलकुलेट कर लो, बहुत जरूरी होता है। और ये सेंटेंस भी इस पूरे चैप्टर में चार पांच जगह आएगा, ये फैक्टर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप हमेशा एक रटा रटाया लाइन लिखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मान लो कि आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया, लोन लिया आपने 10%, 10% पे लोन लिया, अब वो जो घर है वो घर रिटर्न दे रहा है आपको 8% का। अब इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट से भी कम पैसा आ रहा है, मतलब कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा अपनी जेब से, वो जहां पर इन्वेस्टमेंट किया है उसको चलाना भी पड़ेगा अपने जेब से। तो फिर ऐसा तो डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए ना, जहां पर कि तुम पैसा भी लगाओ और इंटरेस्ट भी जेब से दो, ये गलत डिसीजन होगा। तो आपको हमेशा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप जहां पर भी पैसा लगा रहे हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रहा है, क्या वो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है या नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न कम है तो वहां पर प्लीज पैसा मत लगाओ। तीसरा चीज, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, ये तो देखना पड़ेगा ना कि जो जहां पर आप पैसा लगा रहे हो उस वो टेक्निकली फिजिबल है या नहीं, उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है। आपको यह भी तो देखना है कि क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं, उसके जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनेगा उसके लिए मार्केट है या नहीं है। आपको यह भी देखना पड़ेगा लेबर है या नहीं है, ये सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये सारे चीजों को एनालिसिस करने के बाद यू नीड टू डिसाइड कि आपने पैसा इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में करना भी है या नहीं। ये हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आ गया समझ में? व्हाट अबाउट अदर्स, सबको आ गया समझ में? अरे आदित्य नेगी ने कुत्ता रखा है घर में, हेलो तभी तो। हाँ भाई, सबको समझ में आया? जल्दी जवाब दे दो बेटा, जल्दी जवाब दो सब लोग। भव्य, आयुषी, अमन, यस सर, जतिन, सोहेल, रोनित, ऋषभ, लक्ष्य मल्होत्रा, यस सर। ओके तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, हम फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये दोनों तो कम से कम खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग में भी पहुंचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं फटाफट अटेंडेंस ले लेता हूं।